कोरोना वायरस की जंग में आगरा रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवे द्वारा जहां आइसोलेशन बोगियां और भोजन वितरण का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आरपीएफ द्वारा मास्क बनाने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें, आरपीएफ की 5 महिला कांस्टेबल मास्क बनाने के काम में लगी हुई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मास्क की बहुत ही कमी है, इसलिए अपने स्टाफ के लिए अपनी ही बेडशीट से मास्क बना रही है। बाजार में मास्क की कॉस्ट लगभग 40 रुपए है, जबकि खुद बनाने पर 10 रुपए में तैयार हो जाता है। वहीं रोजाना करीब 500 से ज्यादा मास्क महिला आरपीएफ कांस्टेबल तैयार कर रही हैं। सोनी चौहान, क्या करते हैं आप? मैं आरपीएफ में हूँ, मेरी पोस्टिंग बीएससीआर में है। क्या कर रहे हैं इस समय आप लोग? इस समय तो मास्क बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं मास्क? मास्क सर, कोरोना इतनी कोरोना बीमार वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है, उसके लिए मास्क बना के बाहर जो गरीब लोग हैं उनको वितरित किए जाएंगे, कर्मचारियों जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे? हाँ, कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे सर। क्या आपको पहले आता था मास्क बनाने के? सर, मास्क तो नहीं बनाए थे, पर सिलाई आती है। अच्छा, सीखा था आपने? हाँ, सिलाई सीखी थी कॉलेज टाइम में। नाम आपका? सर पूजा रानी। क्या कर रहे हैं इस समय आप लोग? सर, हम मास्क सिल रहे हैं। यहाँ ये मास्क सिल के हम अपने रेलवे कर्मचारी साथियों को देंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको देंगे, ताकि हम जो ये कोरोना वायरस बचा हुआ है इससे फैलने से रोक सकें और इससे अपना बचाव कर सकें। और जो ये मास्क बनाए जा रहे हैं, इससे हम अपने साथियों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और फिर हमने ये जो सिलाई का काम किया बचपन में सीखा था, जो मतलब कॉलेज टाइम में सीखा था, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी मास्क बनाएंगे। ये इस बीमारी से बचने के लिए काम आएगा। कभी कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। देश की सेवा मानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नीलम, क्या करते हैं आप? मैं आरपीएफ में हूं। अच्छा, आगरा कैंप की पोस्टिंग है। इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय आप मास्क से सिलाई कर रही हूं। अच्छा, आपको आता था बनाने का? आता तो नहीं था, पर सिलाई तो आती थी, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि मास्क भी सिलने पड़ेंगे। कैसा लग रहा है इस काम को करते हैं? काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब जो अपने साथ के कर्मचारियों को देंगे, जो मतलब जो उसको वोट नहीं कर सकते उनको देंगे, जिससे कोरोना वायरस को बचाया जा सके। आगरा के खेरागढ़ से के न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। आगरा में हॉस्पिटल के साथ साथ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। दरअसल भारत देश में बढ़ती हुई कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है, और कोरोना से लड़ने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगरा डीसीएम पीआरओ एस के श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा रेलवे कोचों के अंदर 30 आईसीयू बेड बनाए गए हैं, जिनकी समय सीमा 14 अप्रैल तक समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही प्रशासन भी संयुक्त तरीके से कोरोना वायरस को देखकर दमखम के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ ही वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल आगरा किला और एसएचओ ओम प्रकाश द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने के पैकेट, चाय, बिस्किट व अन्य सामान वितरित किए गए। सर, रेलवे लगातार इस तरीके के काम कर रही है, जैसे कि जहाँ जहाँ आइसोलेशन की कमियाँ हैं वहाँ रेलवे अपने कोचों को देकर आइसोलेशन बनाने की तैयारी कर रही है, तो क्या आगरा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया? बिल्कुल, आपने ठीक सुना है ये कि रेलवे इस कोविड 19 की त्रासदी को झेलने के लिए रेलवे भी इसमें पूरी जोर शोर से प्रयास कर रही है। और आइसोलेशन वार्ड का जहां तक संबंध है, तो अभी तक आगरा मंडल को ऐसा कोई निर्देशित नहीं किया गया है, परंतु जहां जहां हमारे कोच फैक्ट्री वगैरह हैं वहां पे ये निर्देशित किया गया है कि वहां पे आइसोलेशन वार्ड बनाई जाए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वहां भी लोगों को शिफ्ट किया जा सके। अगर भविष्य में ऐसा कोई आदेश आता है हमारे हेडक्वार्टर से या बोर्ड से, तो आगरा डिवीज़न भी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। कितने समय में तैयारी कर ली जाएगी अगर ऐसा आदेश? ये तैयारी की जहाँ तक सवाल है, तैयारी तो पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं, आदेश मिलने के तुरंत ही बात कर दिया जाएगा इसको। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।